हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माइंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर और आज हो रही है भाई पहली एक्सरसाइज जी हाँ क्लास सेवन मैथ्स डेटा हैंडलिंग की पहली एक्सरसाइज मैं आज कराने जा रहा हूँ बहुत शानदार एक्सरसाइज है और स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने तीन वीडियो बनाई है इससे पिछली वाली वीडियो एम्फेडिकल फार्मूला उससे पहले मीन मीडियन एंड मोड और उससे पहले वॉट इज डेटा वॉट इज डेटा डेटा हैंडलिंग क्या होता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है रॉ डेटा क्या होता है रेंज क्या होता है ये सब आपको बताया गया है तो पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी जा करके देखेगा क्योंकि इन्हीं वीडियोस पर डिपेंड होने वाली एक्सरसाइज वन एंड एक्सरसाइज टू तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जल्दी से और अगर आपने वीडियो देखी है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जल्दी से क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स मैग्नेट ब्रेन अकेला एक लौटता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर आपको इंटर गार्डन से लेकर ट्वेल्थ तक सभी क्लासेस के सभी, सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्टल वीडियोज एन सी ई आर टी क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस और आपको मिलते हैं सेशन बिल्कुल फ्री में जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर्स अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री और ये सब कुछ अवेलेबल है सी बोर्ड हिंदी मीडियम सी बोर्ड इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एम बोर्ड के लिए ये सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर हमारी वेबसाइट पर हमारी ऐप पर और हमारे ये जो चैनल पर तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्लास और एक बात और बॉस नोट्स भी आपको मिल रहे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे डब्ल्यू 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 डॉट डॉट कॉम सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक सभी से सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे भाई ग्रैप कर लीजिएगा जल्दी से जाकर के। तो शुरू करते हैं भाई क्लास सेवन चैप्टर की पहली एक्सरसाइज इससे पहले भाई, आपको चार वीडियोस देखने को व्हाट इज डेटा ऑर्गेनाइजेशन रेंज और उससे पहले भाई चैप्टर ओवरव्यू नहीं देखी वीडियोज तो देखना जरूर भाई शुरू करते हैं क्लास आज की फाइंड द रेंज रेंज पूछा है भाई रेंज सर रेंज मैंने आपको बताया था देखो मैं आपको दिखाऊं रेंज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ रेंज इक्वल टू बहुत डिटेल में रेंज पढ़ाया गया था जी हाँ चैप्टर ओवर यू के बाद जो पहली वाली वीडियो आई थी वॉट इज डेटा ऑर्गेनाइज डेटा हैंडलिंग उसी का ही नाम था रेंज तो रेंज था भाई हाइएस्ट वैल्यू मतलब हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन हाइस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑल राइट हाइस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन ठीक अब यहां पर हमें रेंज निकालना है एनी टेन स्टूडेंट्स हाइट का दस स्टूडेंट की हाइट की रेंज निकालनी है फ्रॉम योर क्लास स्टूडेंट्स ये आपके क्लास के लिए है मतलब ये क्वेश्चन सब के लिए अलग हो सकता है कोई किसी क्लास कोई किसी सेक्शन में कुछ स्टूडेंट्स हैं किसी सेक्शन में कोई और स्टूडेंट हैं हर बच्चे की क्लास अलग भी हो सकती है तो मतलब ये आंसर सबका अलग अलग यहाँ पर आंसर आ सकता है तो अब मैं क्या करूँ सर अब मैं तो किसी क्लास का स्टूडेंट हूँ नहीं लेकिन मुझे सॉल्व करना है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ दस स्टूडेंट की हाइट दस स्टूडेंट की हाइट एज्यूम कर रहा हूं मैं सेंटीमीटर में राइट right? चलिए भाई जब तक मुझे दस स्टूडेंट की हाइट नहीं पता लगेगी तब तक मुझे हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन नहीं चलेगी पता लोएस्ट ऑब्जर्वेशन नहीं चलेगी पता तो मैं लेट कर लेता हूं भाई ठीक मैं लेट कर लेता हूं जल्दी से देखिएगा लेट द लेट हाइट लेट द हाइट ऑफ टेन स्टूडेंट्स लेट द हाइट ऑफ टेन स्टूडेंट्स लेट द हाइट ऑफ टेन स्टूडेंट्स भी दस स्टूडेंट की हाइट आपको लेट करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स अगर आप पूछ सकते हो डेटा कलेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है मतलब आप अपने स्कूल में दस बच्चों का हाइट का सर्वे करें और उसमें देखें हाइएस्ट हाइट किसकी आई है लोवेस्ट हाइट किसकी आई है हाइट हाइएस्ट हाइट में से लोवेस्ट हाइट को माइनस कर दें रेंज मिल जाएगी अदरवाइज़ भाई आप भी एज्यूम कर सकते हैं तो आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं हर बच्चे का आंसर अलग आ सकता है भाई लेट द हाइट ऑफ टेन स्टूडेंट्स भी 150 सेंटीमीटर वन ट्वेंटी सेंटीमीटर वन टू टू हो गए 154 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर वन टू थ्री फोर फाइव और देखिए 167 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर 172 सेंटीमीटर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अभी दो हाइट और ले लेते हैं वन 54 सेंटीमीटर एंड 138 सेंटीमीटर राइट देखिए दस बच्चों की रैंडम हाइट मैंने ले ली है दस बच्चों की रैंडम हाइट मैंने ले ली है मुझे निकालना है भाई रेंज तो रेंज आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स राइट रेंज ऑफ हाइट बहुत इजीली आपको रेंज ऑफ हाइट मिल जाएगी स्टूडेंट्स रेंज ऑफ हाइट बहुत इजीली मिल जाएगी प्यारे बच्चों रेंज ऑफ हाइट राइट रेंज ऑफ हाइट बहुत ज़्यादा ईजिली आपको मिलेगी अब रेंज ऑफ हाइट के लिए आपको हाईएस्ट हाइट देखनी पड़ेगी अब देखिए कभी कभी क्या होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ढूंढना मुश्किल हो जाता है तो हम क्या करते हैं हम करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज़ जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो डेटा ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता दो बॉस डेटा ऑर्गेनाइजेशन जिसको नहीं पता सुन लो भाई डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अरेंज डेटा एक अरेंज करना यहाँ पर हम कैसे अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं तो आप अगर इसको अरेंज करेंगे तो भाई बहुत ईजीली आपको कॉर्नर से अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो लेफ्ट कॉर्नर पर आपको स्मॉलेस्ट लोएस्ट ऑब्जर्वेशन मिलेगी और राइट right कॉर्नर पर आपको हाइस्ट ऑब्जर्वेशन मिलेगी डिसेंडिंग में करोगे तो लेफ्ट पर आपको हाइस्ट मिलेगी और राइट right पर आपको लोवेस्ट मिलेगी लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हाईस्ट ऑब्जर्वेशन ढूंढ लो हाइस्ट ऑब्जर्वेशन आप ढूंढ लो कौन सी है हाईस्ट वन फिफ्टी फोर वन फिफ्टी वन सिक्सटी फाइव वन सिक्सटी सेवन वन सेवनटी वन सेवनटी टू वन फिफ्टी वन ट्वेंटी सेवन वन थर्टी एट वन फिफ्टी फोर वन सेवनजी टू सेंटीमीटर वन सेवनजी टू सेंटीमीटर हाएस्ट है जी हाँ यह आपकी हाईएस्ट है 172, ठीक है सर 172 सेंटीमीटर लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन लोएस्ट सबसे कम हाइट हाइस्ट हाइट लोएस्ट हाइट ये सब डेटा को कहते हैं ऑब्जर्वेशन ये टर्म्स कह सकते हो इनको आप ऑब्जर्वेशन कह सकते हो राइट स्मॉलेस्ट वन ट्वेंटी सेवन है या कोई और सी भी है 138 नहीं है 127 ट्वेंटी सेवन ही है तो वन सेवनटी टू माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर या आ गई भाई आपकी रेंज ऑफ हाइट इसको आप सपट्रेट कर दो 172 में से 127 आप सपरेट करोगे तो क्या आएगा 12 में से आपने 7 सपट्रेट किया तो बचा फाइव ट्वेल्व में से आपने सेवन सब्ट्रेट किया तो बचा फाइव ये हो गया सिक्स सिक्स right, में से आपने टू सब्ट्रेट किया तो बचा फोर राइट बस बॉस वन में से वन जीरो फोर्टी फाइव सेंटीमीटर आ गई है आपकी हाइट ऑल राइट फोर्टी फाइव सेंटीमीटर आ गई है आपकी रेंज तो ये आ गई रेंज रेंज निकालना बहुत आसान है रेंज निकालना बहुत ज़्यादा आसान है हाइट हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन माई एन माइनस लोवेस्ट ऑब्जरवेशन क्लियर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे हाइएस्ट हाइट लोवेस्ट हाइट हाइएस्ट हाइट लोवेस्ट हाइट क्लियर इट्स अप टू यू बस कॉन्सेप्ट आपको पता है रेंज का रेंज मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है पिछली वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो जाइए और पिछली वाली वीडियो ध्यान से देखिए भाई जाइएगा और देखिएगा और रेंज अगर आपने देखी है वीडियो देखी है तो मुझे कॉमेंट करके बताना आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, स्क्रीन पर क्या कह रहा है ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज का मतलब अरेंज करना है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म टेबुलर फॉर्म का मतलब टेबल बनानी है टेबल Ta में डेटा कोई अरेंज होता है उसको तो कहते हैं टेबुलर फॉर्म राइट ये है टेबुलर फॉर्म क्लियर है टेबुलर फॉर्म मतलब आपको टेबल बनानी है ठीक है भाई 46753545262519658467 उसके बाद आपको ये आंसर्स देने हैं ठीक है सर दे देंगे आंसर आराम से क्वेश्चन करते हैं सॉल्व सॉल्यूशन बनानी है आपको पहले टेबल तो मार्क्स है भाई गिवन डेटा गिवन डेटा क्या है भाई गिवन डेटा गिवन डेटा में आपको मार्क्स मिलेंगे मार्क्स दिए हुए राइट right? फोर सिक्स सेवन फाइव थ्री फोर सिक्स सेवन फाइव थ्री राइट क्लास के अंदर मार्क्स है पहले बच्चे के फोर मार्क्स दूसरे बच्चे के सिक्स मार्क्स फिर सेवन मार्क्स फिर फाइव मार्क्स फोर सिक्स सेवन फाइव थ्री फाइव फोर फाइव टू सिक्स फाइव फोर फाइव टू सिक्स फाइव फोर फाइव फोर फाइव टू सिक्स टू फाइव वन नाइन 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 सिक्स फाइव एट फोर सिक्स सेवन फाइव एट फोर सिक्स सेवन काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी लेट मी चेक ओवर हियर वन टू थ्री फोर फाइव 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 फाइव फोर जो ट्वेंटी बिल्कुल ठीक है भाई ट्वेंटी बच्चों के मार्क्स हमारे सामने हैं आपको क्या करना है भाई ऑर्गेनाइज करना है आपको करना है डेटा ऑर्गेनाइज ठीक है सर करते हैं ऑर्गेनाइज डेटा बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है डेटा ऑर्गेनाइज आप यहां पर डेटा ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हो ऑर्गेनाइज डेटा भी लिख सकते हो तो भाई देखिए मार्क्स एक हैडिंग बनेगी मार्क्स एक हैडिंग बनेगी भाई आप टेली मार्क के थ्रू भी कर सकते हो विदाउट मार्क भी कर सकते हो आप सबको पता है टेली मार्क क्या होते हैं मुझे कमेंट करके बताना नहीं पता तो बोर्ड पे देखते रहिए मार्क्स टेली मार्क मार्क्स टेलीमार्क टेली मार्क, और क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब फ्रीक्वेंसी देखो मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी पहले लिखते हैं और मार्क बाद में लिखते हैं जो कि सही नहीं है जो कि सही नहीं है पहले आपका टेलीमार्क आना चाहिए और टेलीमार्क को देखकर ही फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए बात समझ में आई फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लिख दो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है लिख सकते हैं स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट ऑल राइट सही है बॉस ऑल राइट भाई ऑल राइट ठीक है सर चलिए देखते हैं मार्क्स फोर मार्क्स कितने बच्चों के हैं? वन मार्क्स भी है वन से स्टार्ट करते हैं वन मार्क्स कितने बच्चों के हैं वन मार्क्स कितने बच्चों के हैं वन मार्क्स चलिए देखते हैं भाई वन मार्क एक ही बच्चे का है राइट right? एक ही बच्चे का वन यहां पर मार्क करते जाइए हाथों हाथ हुआ। तो यहां लिखेंगे वन एक एक मार्क को आप एक को ऐसे बताएंगे दो को ऐसे बताएंगे तीन को तीन से बताएंगे चार को चार स्टिक से बताएंगे और पांच को पांचवी स्टिक डाइगनली आएगी अक्रॉस ये बात आपको पता है राइट right? ठीक है अब देखते हैं टू मार्क्स वन वन टू ओनली दो बच्चों के सिर्फ दो मार्क्स हैं ओके okay, स्टूडेंट्स दो मार्क्स दो बच्चों के वन टू टेली मार्क देखो दो आएगा यहां वन और यहां टू ठीक है और देखिए भाई थ्री मार्क्स कितने बच्चों के हैं जल्दी से देख लेते हैं मार्क्स मार्क्स कितने बच्चों के थ्री मार्क सर one. सिर्फ एक ही बच्चे के तीन मार्क्स हैं बहुत बढ़िया यह आएगा भाई थ्री मार्क्स सिर्फ एक बच्चे के एक स्ट्रिक और यह आ जाएगा वन बात समझ में आ रही है आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स इसी टेबल को कंप्लीट करेंगे देखते रहिए आगे फोर मार्क्स कितने बच्चों के हैं वन टू छोड़ना नहीं चाहिए भाई थ्री तीन बच्चों के फोर मार्क्स हैं तो तीन तीन स्टिक्स थ्री तीन बच्चों के फोर मार्क्स पांच मार्क्स कितने बच्चों के हैं पांच का देख लो भाई पांच मार्क्स पांच मार्क्स फाइव मार्क्स वन टू थ्री फोर फाइव फाइव मार्क्स फाइव स्टूडेंट्स के हैं तो फाइव देखो फाइव टेल स्टिक ध्यान से टेली मार्क वन टू थ्री फोर और ये पाँचवा वाला स्टूडेंट्स एक पाँचवा वाला एक राइट ये पाँच अभी स्टूडेंट्स ये मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा बॉस ये डेटा इधर ले जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए तो गिविन मैंने यहाँ लिख दिया ये राइट right? गिविन मैंने इधर लिख लिया है स्पेस की नीड है इस वजह से राइट स्पेस चाहिए ओके स्टूडेंट्स स्पेस चाहिए है जी हाँ कोई डाउट कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्पेस चाहिए मेरे को और देखिए फाइव तक हो गया ना बॉस चलिए टेबल आराम से हम बड़ी कर सकते हैं स्पेस हमें आराम से मिल रहा है ऑल राइट फाइव के बाद स्टूडेंट सिक्स मार्क्स सिक्स मार्क्स कितने बच्चों के देख लो वन टू थ्री फोर तो सिक्स मार्क्स फोर बच्चों के फोर स्टिक्स फोर वर्टिकल स्टिक्स यहां आएगा फोर सेवन मार्क्स सेवन मार्क्स कितने बच्चों के हैं बॉस बो से टू सेवन मार्क्स टू बच्चों के वन और वन टू यहां आ जाएगा टू राइट एट मार्क्स एट मार्क्स कितने बच्चों के हैं भाई एट मार्क्स बस एक बच्चे का है ठीक है एट मार्क्स सिर्फ एक बच्चे का है एट एक स्टूडेंट एक स्टूडेंट्स और नाइन मार्क्स वन नाइन मार्क्स भी सिर्फ एक बच्चे का है ऑल राइट right, तो नाइन वन एंड वन ओके स्टूडेंट्स ये टेबल आप अच्छे करके बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये टेबल ही है क्वेश्चन में सबसे पहले यही कहा गया है टैबुलर फॉर्म डेटा को टेबुलेट करिए मतलब डेटा को टेबल में ऑर्गेनाइज करिए टेबल में अरेंज करिए ये हो गया भाई डेटा ऑर्गेनाइजेशन एक बार काउंट करेंगे भाई कि ये सारे के सारे यहाँ पे डेटा आ गया या नहीं आ गया एक बार काउंट करेंगे चलिए काउंट कर लेते हैं जल्दी से थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन और नाइन बिल्कुल ठीक ट्वेंटी टोटल है ट्वेंटी तो इसका मतलब डेटा बिल्कुल सही है टोटल है ट्वेंटी तो बिल्कुल सही बात है टोटल ट्वेंटी ऑल राइट बिल्कुल ठीक बात भाई ओके okay. ये हो गया भाई हमारा डेटा पहले हमने लिखा गिविन और फिर हो गया हमारा ये टैबलेट अब फर्स्ट पार्ट कह रहा है विच नंबर इज द हाइस्ट सबसे ज्यादा हाइएस्ट नंबर कौन सा है मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स कौन किस बच्चों के आए हैं मतलब कितने कहने का मतलब ये नंबर नंबर इज इज द द का मतलब समझ रहे हो आप मतलब हाइएस्ट बताइए मार्क्स के बारे में पूछा गया है या फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है विच नंबर इज द हाइएस्ट हाइस्ट नंबर कौन सा है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ हाइस्ट नंबर है नाइन तो पहले वाले का आंसर हो गया स्टूडेंट्स नाइन मैं इसको कर रहा हूं आप, अपने आप कर लेंगे स्टूडेंट समझ में आ रही है बात nine. Nine है. तो पहले वाले का आंसर आप नाइन लिखो बस वन वर्ड में मैं लिख रहा हूं सेकेंड देखिए लोवेस्ट लोवेस्ट देखिए भाई लोवेस्ट लोवेस्ट देखिए वन बहुत आसान रेंज रेंज कैसे मिलेगी रेंज हाइएस्ट माइनस रेंज का मतलब हाइएस्ट माइनस लोवेस्ट रेंज हो जाएगी आपकी हाइएस्ट नंबर अभी आपको यही तो सिखाया है हाइएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर हाइएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर हाइएस्ट नंबर था भाई आपका नाइन लोवेस्ट नंबर था वन रेंज आ गई भाई आपकी एट ये आ गई बॉस रेंज आ रहा है समझ में रेंज आपके सामने है हाइएस्ट नंबर लोएस्ट नंबर क्लियर है बिल्कुल आई होप आपको समझ में आ गई है बात ये हो गई आपकी रेंज ऑल राइट नाइन माइनस वन इक्वल टू एट ओके स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट अर्थमैटिक मीन। मीन पूछा है मीन मतलब एवरेज बहुत अच्छे से आपको एवरेज आता है मीन कैसे फाइंड करेंगे बहुत ज़्यादा आसान है मीन फाइंड करना स्टूडेंट्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको आप नोट करिए मैं इसको रब करके यहाँ पर मीन आपका निकलवा दूंगा जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा इसके बाद इसका हम मीन निकाल लेंगे आराम से नोट कर लीजिएगा जल्दी से हो गया नोट नोट इट डाउन क्विकली अब हम निकालने वाले हैं मीन ओके फोर्थ पार्ट तो ध्यान देखिए बॉस फोर्थ पार्ट करते हैं जल्दी से What uh, find the arithmetic mean? Alright. We know. We know that. What do we know? Arithmetic mean. Arithmetic mean. Arithmetic mean equal to sum of all observation. Sum of all observations upon total number of all uh, total number of observations up sum. ऑब्जर्वेशन की जगह क्या आएगा मार्क्स सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सम सम ऑफ़ ऑफ़ ऑल ऑल मार्क्स मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप यहां पर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी यूज कर सकते हैं सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन राइट

सम ऑफ ऑल मार्क्स सम ऑफ ऑल मार्क्स फोर प्लस सिक्स सबका एड करना है फोर प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस सेवन फोर प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस फाइव फोर प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस फाइव फाइव थ्री फाइव सम ऑफ ऑल मार्क्स फाइव थ्री फाइव फोर फाइव टू सिक्स प्लस फोर प्लस फाइव प्लस टू

टेबल से हमें दिख रहा है ट्वेंटी बात समझ में आ रही है आई होप यू दिस वेरी वेल अब इन सबको आप ऐड कर दो स्टूडेंट्स अगर आप इनको ऐड करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हो आप कैसे करोगे आप देखोगे वन कि वाले कितने हैं तो वन की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फोर वाले कितने हैं है? फोर मार्क्स है? कितने बच्चों का है फोर की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बच्चों के फोर आए सिक्स कितने बच्चों का है सिक्स की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फिर उन प्रोडक्ट को सारे प्रोडक्ट को आप ऐड कर दो अब आप इन सबका ऐड करिए जल्दी से आप इन सबको ऐड करिए मुझे कॉमेंट करके बताइए इन सबको ऐड करते हैं तो क्या आता है इन सबको जल्दी से आप ऐड कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा चलिए चेक करें चेक करते हैं स्टूडेंट्स देखिए कैसे कितना आसानी से ये ऐड हो जाएगा आप बस देखते जाइए सिक्स फोर टेन सेवेंटीन सिक्स फोर टेन टेन और सेवन सेवनटीन फाइव ट्वेंटी टू और थ्री ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फोर थर्टी फोर थर्टी नाइन थर्टी नाइन फोर्टी वन फोटी सेवन फोर्टी नाइन फिफ्टी थ्री फिफ्टी फ़ोर फिफ्टी फोर सिक्सटी सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन और जी भाई ये हो गया सिक्सटी नाइन और ग्यारह एटी एट्टी एट्टी सिक्सटी uh, नाइन और ग्यारह एटी सिक्स और फाइव इलेवन एटी एट्टी और ये हुआ बॉस हमारा एट्टी और फिफ़्टीन एट एट्टी और फिफ्टी नाइन्टी फाइव नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन हो रहा है हंड्रेड हो रहा है एक बार चेक करते हैं दोबारा सिक्स और फोर टेन टेन सेवनटीन सेवेंटीन और फाइव ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू और थ्री ट्वेंटी टू और थ्री कितना होगा बॉस ट्वेंटी टू और थ्री ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फोर थर्टी नाइन फोर्टी वन 48 वन 50 वन फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन एट फोर्टी नाइन फिफ्टी 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 और सिक्सटी सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन और सिक्स सिक्सटी नाइन और सिक्स हो जाएगा बॉस 74 फोर 78 फोर एट सेवेंटी एट और सिक्स एक बार डेटा और चेक कर लें सिक्स फाइव सेवन फाइव थ्री सिक्स फाइव सेवन फाइव थ्री फाइव फोर फ़ाइव फाइव फोर फाइव टू सिक्स टू 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 सिक्स टू टू सिक्स टू टू सिक्स टू टू सिक्स टू फाइव टू सिक्स टू फाइव टू सिक्स टू फाइव वन नाइन सिक्स फाइव वन नाइन सिक्स फाइव वन नाइन सिक्स फाइव एट जी हाँ स्टूडेंट्स इन सबको ऐड करके आप ट्वेंटी से डिवाइड करेंगे आपका आंसर बहुत ईजीली आ जाएगा इन सबको ऐड करिए और ट्वेंटी से डिवाइड करिए और मुझे आंसर बताइए क्या आएगा स्टूडेंट्स ऑल राइट इस सबको ऐड करके आप 20 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा स्टूडेंट्स ऑल राइट जो भी आंसर आ रहा है उसको 20 से डिवाइड कर दो और वही आपका आंसर आ जाएगा आप ऐड करिए आराम से और मुझे बताइए क्या आंसर आपका आ रहा है ऑल राइट ऐड करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए सिंपल क्वेश्चन है एडिशन करना है बस और ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू हो गया है कंप्लीट इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी आप कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से ऑल राइट right. ठीक है भाई तो क्वेश्चन नंबर टू हमारा हो गया कंप्लीट बढ़ते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द क्या लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट फाइव होल नंबर मीन मीन फाइंड करना है फर्स्ट फाइव होल नंबर का ऑल राइट right, आपको मीन फाइंड करना है फर्स्ट फाइव होल नंबर का जी हाँ स्टार्टिंग के जो शुरू के पांच होल नंबर है कौन से हैं वो क्या आपको पता है शुरू के पांच होल नंबर कौन से हैं मुझे कमेंट करके बताइए तो कौन से हैं भाई वो पांच होल नंबर जल्दी से बताइए राइट फर्स्ट फाइव फर्स्ट फाइव होल नंबर्स आर फर्स्ट फाइव होल नंबर्स आर कौन कौन से है भाई स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो जीरो के बाद वन वन के बाद टू टू के बाद थ्री थ्री के बाद फोर तो फर्स्ट फाइव होल नंबर्स कौन से हो गए भाई जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव आपको फाइंड करना है मीन तो भाई मीन का फॉर्मूला आप जानते हैं बहुत अच्छे से आप मीन का फॉर्मूला जानते हैं वी नो दैट मीन इक्वल टू वी नो दैट मीन इक्वल टू क्या होगा मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन को आप कह सकते हो टर्म्स सम ऑफ ऑल टर्म्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन राइट आप टर्म्स भी लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन की जगह पर आप टर्म्स भी लिख सकते हो तो जीरो प्लस टू प्लस थ्री प्लस, प्लस, प्लस फोर ब, आ, कितने फाइव थे ना बोस तो हमने ये एक ज्यादा ले लिया इधर फोर तक आएगा बस राइट वन टू थ्री फोर फाइव ऑल राइट अपॉन कितने हैं ये टोटल नंबर ऑफ्जर्वेशन है तो इनको ऐड कर लो कितना आया है फाइव फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन टेन अपॉन फाइव और ये आ गया भाई आंसर आपका लास्ट में आप लिख दो इक्वल टू बात समझ में आई चार पांच आठ दस टेन डिवाइड बाई फाइव आंसर आ गया है टू बड़ा आसान है ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे किस तरह के क्वेश्चन अभी तो आपको होल नंबर हैं आपसे प्राइम नंबर का मीन पूछ लिया जाएगा आपसे प्राइम नंबर का मीन पूछ लिया जाएगा आपसे होल नंबर का मीन पूछ लिया जाएगा जैसे यहाँ पूछा है आपसे कंपोजिट नंबर का आपसे एवन नंबर का आपसे होल नंबर का इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर फाइव था यहाँ पर सिक्स हो सकता है यहाँ पर टेन हो सकता है यहाँ पर एट हो सकता है जी हाँ तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एवन नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं और एवन नंबर्स क्या होते हैं ऑर्ड नंबर्स क्या होते हैं इन सब की नॉलेज होनी चाहिए और वो कितने भी से पूछ सकता है भाई इसने पूछा फाइव होल नंबर्स का एग्जाम में वो सिक्स पूछ सकता है तो डिवाइड में सिक्स आ जाएगा और एक होल नंबर और बढ़ जाएगा अगर आपको पता ही नहीं होल नंबर्स क्या होते हैं तो कैसे करोगे बॉस बात समझ में आ रही है ठीक है बॉस तो आए समझ में तो एक क्वेश्चन को घर पे करिएगा घर पे ट्राई करिए क्वेश्चन फाइव को रहने दीजिए होल की जगह पर प्राइम लिखिए और सॉल्व करिए फिर होल की जगह पर कंपोजिट लिखिए और फिर सॉल्व करिए ऑल राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई बढ़िया सा क्वेश्चन है एकदम पढ़ो जल्दी से बेहतरीन सा क्वेश्चन है जल्दी से पढ़ो और बताओ करना क्या है भाई ऑल राइट पढ़िए और मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में करना क्या है ओके बॉस पढ़ लिया ना हाँ जी सर बड़ा आसान क्वेश्चन है सर मीन निकालना है भाई मीन का मतलब होता है एवरेज और एक और नाम होता है इसका अर्थमेटिक मीन अगर ये कहे फाइंड द मीन तो भी एक बात है. अगर ये कहे फाइंड द अर्थमेटिक मीन तो भी एक ही बात है अगर ये कहे फाइंड एवरेज तो भी एक ही बात है चलिए भाई करते हैं सॉल्व बहुत बढ़िया करके आपसे आता है ये क्रिकेटर स्कोर्स क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन इन एट इनिंग्स आठ मैच खेले क्रिकेटर ने और आठ मैच का स्कोर आपके सामने है पहले स्को पहले मैच में पहले मैच में पहले इनिंग में फिफ्टी एट रन स्कोर किए फिर सेवेंटी फिर फोर्टी फिर जीरो फिर और फिर हंड्रेड जी हाँ तो भाई मेन पूछा है फाइंड okay द तो मीन स्कोर ओके बॉस तो स्कोर फाइंड करते हैं बढ़िया सा ये क्वेश्चन है कर लेते हैं भाई जल्दी से तो ये लिखा मैंने सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे गिवन गिवेन डेटा राइट सबसे पहले लिखा जाएगा गिवन डेटा क्या गिवन है एक स्कोर गिवन है राइट स्कोर गिवन है, गिवन डेटा डेटा में क्या है भाई डेटा मतलब इंफॉर्मेशन स्कोर स्कोर गिवन है बॉस 58, 76, 40, 58, 76, 40, 58, 76, 40, 35, 46, 45, 35, 46, 35, 46 फोर्टी फाइव जीरो और भाई ये हंड्रेड ठीक है ये स्कोर बॉस. आ रहा है समझ में मैंने कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट्स बस ये डेटा को लिखा अब मेरे को चाहिए भाई मीन अब देखिए स्टूडेंट्स मीन कहा है तो जरूरी नहीं है कि मैं इसको ऑर्गेनाइज करूं डेटा को मैं ऑर्गेनाइज वे में लिखूं. ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन अगर रेंज कहा जाता तो मैं शायद लिखता और अगर मीडियन पूछा जाता जी हाँ मीडियन फिर तो मुझे लिखना ही पड़ता मीडियन का खेल ही नहीं होगा जी हाँ स्टूडेंट्स बिना मीडियन बिना ऑर्गेनाइज़ किए मीडियन निकल ही नहीं पाएगा सही तो अभी मीन कहा गया है तो ऑर्गेनाइज करने की नीड नहीं है बस एक बार डेटा चेक कर लो फिफ्टी एट सेवनटी सिक्स फोर्टी फिफ्टी एट सेवनटी सिक्स फोर्टी थर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी फाइव जीरो हंड्रेड ठीक है भाई आपसे कहा गया मीन स्कोर देयर फोर मीन स्कोर आपको फाइंड करना है मीन स्कोर मीन का फार्मूला सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप यहां पर नॉर्मल फार्मूला भी लगा सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हो सम ऑफ ऑल स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स सम ऑफ ऑल स्कोर सम ऑफ ऑल स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स चलिए भाई सारे स्कोर को ऐड करना पड़ेगा करते हैं 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 और इस पूरे को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स से यहां भी लिखा है इनिंग्स और आप काउंट कर सकते है, one, two, three, four, five, six, seven, हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करना है सबको ऐड कर दो भाई जब आप इनको ऐड करोगे फिफ्टी एट सेवन फोर्टी थर्टी फाइव फोर्टी सिक्स हंड्रेड कितना आएगा करके देखें फोर्टी फाइव देखे, में थर्टी फाइव को ऐड कर लो कितना ये हंड्रेड है ही है एट्टी और ट्वेंटी ये हो गया भाई ये हो गया भैया इन दिनों का हो गया आपका वन ट्वेंटी करेक्ट ये हंड्रेड है ही है इन दोनों को और एड कर लो बस फिफ्टी एट और सेवेंटी सिक्स कितना हो जाएगा एट और सिक्स फोर्टीन वन कैरी सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह वन हंड्रेड थर्टी फोर फिफ्टी सेवेंटी वन ट्वेंटी और जी हो गया आपका फोर्टीन थर्टी फोर ठीक है भाई वन ट्वेंटी प्लस वन थर्टी फोर प्लस हंड्रेड कितना हुआ बॉस टू हंड्रेड वन हंड्रेड वन हंड्रेड टू हंड्रेड फिफ्टी फोर थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर कितना हो गया थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर ये हो गया ऑल राइट थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर ये हो गया स्टूडेंट फिफ्टी एट 4645 सिक्स फोर्टी थर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी फाइव हंड्रेड फिफ्टी एट सिक्स फोर्टी थर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी फाइव और ये फोर्टी सिक्स भी रह गया था बॉस तो ये हो जाएगा पूरा फोर हंड्रेड जी हाँ स्टूडेंट तो ये हो गया फोर हंड्रेड इक्वल टू में आप लिखेंगे सम करना बड़ा आसान है आप कैसे भी कर सकते फोर हंड्रेड अपॉन एट एट फाइवज़ा फोर्टी और ये जीरो ये आ गया भाई आपका आंसर मीन स्कोर आ गया आपका फिफ्टी ऑल राइट आसान सा क्वेश्चन मीन निकालना बहुत आसान है और स्टूडेंट्स मैंने बहुत डिटेल में आपको मीन मीडियन मोड पढ़ाया हुआ है जाइएगा जल्दी से पिछली वाली वीडियो में नहीं देखा तो और जा करके जरूर देखिएगा मीन मीडियन मोड पर मास्टरी कराई है लंबी वाली वीडियो बना करके पूरा बढ़िया करके पढ़ाया गया है आप जाइए और नोट करिए पढ़िए भाई बिंदास तरीके से पढ़ लीजिएगा बढ़िया करके आपको समझ में आ जाएगा बॉस तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फोर हो गया कंप्लीट बढ़ते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट

हमें स्कोर दे दिया है सारे ही गेम में चार गेम खेले गए बस सी वाले प्लेयर ने प्लेयर सी ने गेम थ्री नहीं खेला है 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 ओके आपको देना आंसर ठीक बॉस क्या क्वेश्चन एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर गेम मतलब प्लेयर ए ने गेम वन में फोर्टीन रन स्कोर किए गेम टू में सिक्सटीन किए गेम थ्री में टेन किए गेम फोर में टेन किए तो कहा गया है कि एवरेज फाइंड करिए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट जी हां कितना एवरेज आया है कितना एवरेज स्कोर किया है ये बताना है और एवरेज करने के लिए हम क्या करते हैं मीन फाइंड करते हैं बात समझ में आई और लिखा हुआ साफ़ साफ़, फाइंड द मीन आपको मीन फाइंड करना है फाइंड द मीन चलिए भाई मीन फाइंड करते हैं जल्दी से देख लेते हैं फाइंड द मीन ऑल राइट ओके बॉस सॉल्यूशन ए पार्ट आपको फाइंड करना है मीन मीन टू डिटरमाइंस इज एवरेज ऑल राइट मीन स्कोर मीन स्कोर ऑफ प्लेयर ए मीन स्कोर ऑफ प्लेयर ए प्लेयर ए का मीन स्कोर क्या है भाई मीन का फॉर्मूला आप सबको बहुत अच्छे से पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हम कहेंगे points, of, games, यहाँ पर सम ऑफ ऑल पॉइंट सम ऑफ ऑल पॉइंट या फिर सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वॉट टोटल नंबर ऑफ गेम्स टोटल नंबर ऑफ गेम्स आप यहां पर सम ऑफ़ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेश भी लिख सकते हैं बात समझ में आई अब इन सबको ऐड कर लो इसके आगे का वर्क क्या होगा इसके आगे का वर्क बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट्स ये हो जाएगा ये देखिएगा आप क्या हो जाएगा सर क्या हो जाएगा बॉस ये हो जाएगा सब सब कसम 14 स्कोर ऑफ प्लेयर ए इन गेम वन प्लस स्कोर ऑफ प्लेयर ए इन गेम टू स्कोर ऑफ गेम थ्री स्कोर ऑफ गेम फोर मतलब 14 प्लस सिक्सटीन प्लस टेन प्लस फोर्टीन प्लस सिक्सटीन प्लस टेन प्लस टेन अपॉन वन टू थ्री फोर डिवाइड बाय फोर कितना हो गया बॉस 14 और सिक्सटीन कितना हो गया थर्टी फोर्टी फिफ्टी जी हाँ थर्टी फोर्टी फिफ्टी अपॉन फोर फिफ्टी की डिवाइड फोर से करोगे क्या आंसर आएगा फिफ्टी की डिवाइड फोर से कर दो आंसर आ जाएगा भाई फोर वन जा फोर बचा वन और जीरो टेन फोर टू जा एट बचा टू जीरो हो गया ट्वेंटी फोर फाइव ट्वेंटी ट्वेल्व पॉइंट फाइव राइट तो मीन कितना आया भाई हर एक मैच का मीन आ गया है 12.5 मतलब अगर कहा जाए पूछा जाए प्लेयर ए से प्लेयर ए से अगर पूछा जाए कि कितने रन स्कोर किया आपने तो प्लेयर ए कहेगा क्या कहेगा प्लेयर ए प्लेयर ए कहेगा कि भाई एवरेज मेरा अब ट्वेल्व पॉइंट फाइव का है हर एक मैच में लगभग लगभग मैंने साढ़े बारह रन बनाए हैं साढ़े बारह पॉइंट्स स्कोर किए हैं क्योंकि एवरेज आ गया है ये बात समझ भाई किसी में ज़्यादा किसी पे कम तो एवरेज हो गया 12.5 बीच का हो गया एवरेज बात समझ भाई तो ये ए पार्ट फर्स्ट पार्ट हमने बहुत इजीली कर लिया है सेकंड पार्ट देखते हैं टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय थ्री और बाय फोर एंड व्हाई देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड बड़ा बढ़िया है एकदम कांसेप्ट आपका चेक होगा यहां पर टू फाइंड द मेन नंबर आप अगर मीन नंबर फाइंड करोगे मीन नंबर ऑफ स्कोर मीन नंबर ऑफ पॉइंट फाइंड करोगे पर गेम का किसके लिए सी के लिए मतलब कहने का जैसे आपने का, जैसे आपने आपने ए ए का का स्कोर फाइंड किया मीन ऐसे ही अगर आप सी का स्कोर फाइंड करते हैं तो पूरी बात सुनिए जैसे आपने ए का मीन स्कोर फाइंड किया पर गेम का अगर ऐसे ही आप सी uh, का सी प्लेयर का मीन स्कोर फाइंड करते हैं पर गेम का तो आप टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को हमने डिवाइड किया फोर से तो सी वाले केस में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को आप थ्री से डिवाइड करोगे या फोर से डिवाइड करोगे जल्दी बताओ हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ गेम्स से तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितने प्ले किए इसने वन प्ले किया एक और प्ले किया ये प्ले नहीं किया और एक ये प्ले किया तो हम एट प्लस इलेवन प्लस थर्टीन हम क्या करेंगे एट प्लस इलेवन प्लस थर्टीन डिवाइड किससे करेंगे थ्री से या फोर से किससे करेंगे भाई आंसर आ जाएगा इसका थ्री राइट ऑल राइट क्योंकि रीजन पूछा गया है वाई क्योंकि हम कहेंगे प्लेयर सी ने बस तीन ही गेम खेले हैं प्लेयर सी ने बस तीन ही गेम खेले हैं गेम वन गेम टू और गेम फोर प्लेयर सी ने गेम थ्री नहीं खेला है बात समझ में आई तो सेकंड वाले का आंसर क्या लिखा जाएगा जल्दी से सोच करके मुझे बताइए स्टूडेंट्स सेकेंड वाले का आंसर क्या लिखा जाएगा हम लिखेंगे बिकॉज प्लेयर थ्री डिडेंट प्ले प्लेयर सी डिडेंट प्ले गेम थ्री बात समझ में आई चलिए इसका आंसर आप यहां देख लो सेकंड का आंसर आप इधर देख लो स्टूडेंट्स आंसर आएगा वुड यू डिवाइड बाय वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय थ्री और बाय फोर वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय थ्री अब रीजन पूछा इसने तो बिकॉज बिकॉज प्लेयर सी बिकॉज प्लेयर सी डिड नॉट प्लेड, डिड नॉट प्लेड गेम थ्री गेम थ्री नहीं खेला गया सिर्फ तीन ही गेम खेले गेम वन गेम टू गेम फोर और हमने इसलिए तीन से डिवाइड किया जितने नंबर जितने हम ऐड करते हैं उतने से ही डिवाइड करते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये बात आपको मैंने बताया है पहले भी ऑल राइट तो ये हो गया भाई हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट आप इसको जल्दी से नोट करें उसके बाद हम रम रब करेंगे और स्टूडेंट्स एक चीज़ और देखो सेकेंड पार्ट में लिखा है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम करेक्ट

बी ने सारे गेम खेले गेम वन भी खेला गेम टू भी खेला गेम थ्री भी खेला गेम फोर भी खेला ठीक है हाउ वुड यू फाइंड न मीन आप मीन कैसे फाइंड करेंगे भाई मीन फाइंड करना तो आपसे आता है कैसे फाइंड करेंगे मीन मीन फाइंड करके दिखा दो इसे यस और दो आपने ये नोट कर लिया बॉस तो जल्दी से देख लो एक बार नोट नहीं किया तो एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो नोट कर लो जल्दी से ऑल राइट तो बड़ा आसान है स्टूडेंट्स चलिए थर्ड वाले का आंसर मैं लिख देता हूं इनको मैं रब कर रहा हूं सबको आप देखिए थर्ड का आंसर अच्छा। <coughs> थर्ड में कह रहा है बी ने सारे गेम खेले कैसे फाइंड करेंगे आप मीन हम वी डिवाइड एक काम करते हैं हम लिखते हैं वी कैन फाइंड द मीन वी कैन फाइंड वी कैन फाइंड द मीन वी कैन फाइंड द मीन By dividing total points, total point scored, by dividing total point scored by four, total. पॉइंट स्कोर बाय फोर बात समझ में क्योंकि उसने चारो गेम खेले चार गेम खेले तो चारों का स्कोर डिवाइड बाय फोर अब भाई निकाल के भी दिखा दो निकाल के भी दिखा दो मीन इक्वल टू क्या आप निकाल देंगे स्टूडेंट्स मीन इक्वल टू ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो स्पेस की प्रॉब्लम है कोई बात नहीं आप खुद से कर लेना जीरो प्लस एट प्लस सिक्स प्लस फोर अपॉन फोर क्या आया भाई सम आठ छः चार दस और अट्ठारह अट्ठारह अपॉइन फोर एटीन अपॉइन फोर क्या आएगा आंसर फोर फोर जिक्सटीन फोर फोर जा सिक्सटीन बचा टू ये हो गया जीरो फोर पॉइंट फाइव यह आ गया भाई मीन मीन भी हमने निकाल लिया हालांकि मीन के लिए कहा नहीं था लेकिन फिर भी हमने मीन निकाल लिया ऑल राइट मीन के लिए कहा नहीं था लेकिन फिर भी हमने मीन निकाल लिया ओके स्टूडेंट्स अब देखिए फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में कह रहा है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर बेस्ट परफॉर्मर कौन है प्लेयर ए प्लेयर बी या प्लेयर सी तो प्लेयर ए का मीन प्लेयर ए का मीन हमने कितना निकाला था भाई प्लेयर ए का मीन हमारे पास है हमने अभी निकाला है कहां पर ए uh, में प्लेयर ए का मीन कितना है हमें पता है प्लेयर बी का मीन भी हमें पता है प्लेयर बी का मीन भी हमें पता है प्लेयर सी का मीन और निकाल लो बॉस प्लेयर सी प्लेयर सी का मीन और निकाल लो और आपको पता लग जाएगा बेस्ट परफॉर्मर कौन है ऑल राइट right. बात समझ में आई तो प्लेयर ए का मीन हमारे पास है प्लेयर बी का मीन हमारे पास है हम इसके बाद क्या लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स आप इसको नोट करें उसके बाद देखते हैं क्या लिखेंगे मैं साइड हो रहा हूं आप इसको नोट कर लें प्लेयर ए का मीन 12.5 था प्लेयर बी का मीन 4.5 है ऑल राइट ठीक है बॉस तो इसके बाद का वर्क आप यहां देखिए फोर्थ पार्ट वी नो प्लेयर इज मीन स्कोर प्लेयर इज मीन स्कोर ट्वेल्व पॉइंट फाइव कैसे पता है हमें हमें पता है पार्ट वन से राइट पार्ट वन से हम जानते हैं वाली बात प्लेयर बीज स्कोर प्लेयर बीज मीन स्कोर बी प्लेयर का मीन स्कोर बी प्लेयर का मीन स्कोर भी हम जानते हैं फोर पॉइंट फाइव बी का नहीं सी का सी था बीता हाँ बीता फोर पॉइंट फाइव प्लेयर सी का मीन हमें निकालना पड़ेगा ए का मीन पता है बी का मीन पता है सी का मीन और निकालना पड़ेगा तीनों का मीन होगा जिसका मीन सबसे ज्यादा मतलब जिसका एवरेज स्कोर पर मैच सबसे ज़्यादा वही है हमारा बेस्ट परफॉर्मर तो हमें सी का मीन और निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स ठीक है सी का मीन कितना निकलेगा ध्यान से देखो प्लेयर सी मेन स्कोर प्लेयर सी मेन स्कोर कितना होगा सर सम ऑफ ऑल रन समिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मैच ही प्लेड तो एट प्लस इलेवन प्लस थर्टी डिवाइड बाई थ्री चलिए भाई इनको ऐड करते हैं तो so, इलेवन और 11 और थर्टीन कितना हो गया भाई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर और एट ट्वेंटी फोर और एट हो जाएगा आपका थर्टी टू आठ नौ दस ग्यारह बारह एक कैरी भाई आ, एक दो तीन ठीक है थर्टी टू अपन थ्री थ्री वन ज थ्री ऑल राइट और ये हो गया भाई टू कितना हो जाएगा थ्री टेन ज थर्टी बहुत बढ़िया बचा टू आपका टू हो गया डेसिमल uh, के बाद डेसिमल लगाया ट्वेंटी हो गया थ्री सिक्सा एटीन और दोबारा से थ्री सिक्सा एटीन बात समझ में आई टेन पॉइंट सिक्स सिक्स बात समझ में आ गई बॉस टेन पॉइंट सिक्स सिक्स ठीक है तो प्लेयर सी का आ गया टेन पॉइंट सिक्स सिक्स तो भाई आप देखिए सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया प्लेयर ए ने किया इसके बाद का वर्क आप क्या करेंगे इसके बाद का वर्क आप लिखेंगे सिंस ट्वेल्व पॉइंट फाइव इज ग्रेटर देन टेन पॉइंट सिक्स सिक्स मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया पता चल गया भाई किसने किया हु इज द बेस्ट परफॉर्मर देयर फोर बेस्ट परफॉर्मर कौन है भाई बेस्ट परफॉर्मर वो है जिसने जिसका मीन मीन स्कोर है ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो बेस्ट परफॉर्मर हो गया प्लेयर ए प्लेयर ए आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात जी हाँ स्टूडेंट्स इस तरह से आप काम करेंगे स्पेस थोड़ी कम थी लेकिन फिर भी आपको समझ में आ गया होगा आप अपने आप अच्छे से कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर ले इसको आप जल्दी से नोट कर ले प्यारे बच्चों ऑल राइट तो ये हो गया भाई क्वेश्चन हमारा कंप्लीट आई गया तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया है कंप्लीट बढ़ता है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये रहा स्क्रीन पर क्या कह रहा है द मार्क्स आउट ऑफ हंड्रेड ऑप्टेंड बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस टेस्ट आर देखिए पहले स्टूडेंट के एट्टी फाइव दूसरे स्टूडेंट के सेवेंटी फिर एटी फाइव फिर थर्टी नाइन फि फोर्टी एट फिर फिफ्टी सिक्स फिर नाइनटी फाइव एटी वन सेवेंटी फाइव फाइनड दमें कुछ बच्चों के जी हाँ कुछ बच्चों के मार्क्स दे दिए गए हैं साइंस टेस्ट में कितने कितने मार्क्स हैं फिर क्या कहा गया है हाइएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑपटेन बाई द स्टूडेंट हाइएस्ट मार्क्स कितने हैं भाई हाएस्ट मार्क्स अगर आप ध्यान से देखो तो 95 फाइव इज द हाईस्ट मार्क्स ठीक और लोवेस्ट मार्क्स अगर आप ध्यान से देखो तो 39 जी हाँ 39 हो जाएगा आपका लोवेस्ट मार्क्स कैसे चला पता हमने ऑब्जर्व किया और क्या तरीका है भाई आप इसको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद हाइस्ट ऑब्जर्वेशन और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन बहुत ईजीली मिल जाती है तो आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो डेटा को वी कैन से वी कैन ऑर्गेनाइज द डेटा ऑल चलिए भाई सेकेंड सेकेंड पूछा रेंज रेंज कैसे निकलेगी भाई आपको पता है आपने हाइएस्ट निकाला आपने लोएस्ट निकाला हाइएस्ट मार्क्स में से लोएस्ट मार्क्स को माइनस कर दो मिल गई भाई रेंज बहुत अच्छे से आपको समझाया है रेंज का टॉपिक पहली वाली वीडियो में वीडियो का नाम है डेटा हैंडलिंग व्हाट इज डेटा हैंडलिंग वहाँ जाइए और देखिएगा भाई उसके बाद कहा गया मीन बहुत आराम से निकल जाएगा भाई मीन ठीक है भाई तो क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा भाई सॉल्यूशन क्या किए मैंने डेटा गिवेन डेटा है भाई हमारे पास मार्क्स 85, फाइव सेवेंटी सिक्स 90, फाइव सेवेंटी सिक्स नाइनटी एटी फाइव 48, फाइव सेवेंटी सिक्स नाइनटी एटी फाइव थर्टी नाइन फोर्टी एट फिफ्टी सिक्स और फिर 9581, 95, 81 एंड 75. आप इसको अगर ऑर्गेनाइज़ करोगे तो आसान हो जाएगा और ऑर्गेनाइज़ अगर नहीं भी करोगे तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्योंकि भाई आ, मीडियन में सिर्फ मीडियन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें ऑर्गेनाइज़ करना ही पड़ेगा बिना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए क्वेश्चन मीडियन का नहीं होगा लेकिन बाकी सारे हो सकते हैं तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप आराम से लगा सकते हो नहीं लगाना चाहते तो भाई आप इसको रहने दो ऑर्गेनाइज मत करो राइट ठीक है तो हम कर रहे हैं भाई ऑर्गेनाइज ऑल राइट हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज़ ऑर्गेनाइज्ड डेटा ऑर्गेनाइज डेटा क्या होगा देख लो भाई असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं थर्टी नाइन थर्टी नाइन के बाद फोर्टी एट फिफ्टी सिक्स ठीक है थर्टी नाइन फोर्टी एट फिफ्टी सिक्स इसके बाद बॉस सेवनटी फाइव सेवनटी सिक्स ठीक है सेवनटी फाइव सेवनटी सिक्स इसके बाद एट्टी फाइव एटी फाइव नहीं एटी वन एटी वन एटी फाइव एटी फाइव ठीक है एटी वन एटी फाइव एट्टी फाइव ऑल राइट एट्टी वन एटी फाइव एटी फाइव क्या बचा भाई 90 और 95 सब आ गए ना 90 एंड 95 ठीक मार्क्स ये हो गया डेटा ऑर्गेनाइज डेटा ऑर्गेनाइज होगा तो फर्स्ट पार्ट बहुत इजीली आप कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट कह रहा है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट्स कॉर्नर वैल्यूज से आपको हाईएस्ट और लोएस्ट मिल जाएंगे जल्दी से बताइए बॉस कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कॉर्नर वैल्यू देखिए सबसे पहले है लोवेस्ट थर्टी नाइन सबसे लास्ट में हाईएस्ट नाइन्टी फाइव राइट ये हो गया भाई पहला पार्ट दूसरा पार्ट सुपर आसान दूसरा पार्ट सुपर आसान रेंज के लिए कहा गया है रेंज ऑफ द मार्क्स रेंज ऑफ मार्क्स रेंज ऑफ मार्क्स रेंज का फॉर्मूला हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन तो हाइएस्ट मार्क्स हाइएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स राइट हाइएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स हमने अभी निकाले नाइनटी फाइव स्टूडेंट्स अगर ये फर्स्ट पार्ट नहीं होता तो हम यहां पर ढूंढ लेते हैं आराम से दोबारा से ऑल राइट नाइन्टी फाइव माइनस लोएस्ट मार्क्स लोएस्ट मार्क्स थर्टी नाइन कर दो भाई माइनस 95 फाइव में से आप थर्टी नाइन माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई फो फिफ्टी फोटी फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स यस और नो फिफ्टी सिक्स फिफ्टीन माइनस नाइन बचा uh, आपका भाई सिक्स ये हो गया एट एट माइनस थ्री फाइव फिफ्टी सिक्स इज द आंसर ऑल राइट right. इसको आप नोट करें आई होप आपके समझ में आ रहा होगा भाई ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट हो गया थर्ड पार्ट आराम से निकालेंगे बोर्ड को रब करके इसको आप नोट कर ले पहले ओके स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट कह रहा है भाई मीन मार्क्स बाय द ग्रुप ऑल राइट मीन मार्क्स फाइंड कर लेते हैं इसको स्कोरअप कर देते हैं बॉस और थर्ड पार्ट करते हैं भाई मीन मार्क्स ऑप्टेन बाय द ग्रुप मीन मार्क्स सम ऑफ ऑल मार्क्स सम ऑफ ऑल मार्क्स और अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है इन सब का सब करेंगे भाई आसान सा क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं आप 85 फाइव प्लस सेवनटी सिक्स प्लस नाइन्टी प्लस एट्टी फाइव एट्टी फाइव सेवेंटी सिक्स नाइनटी एटी फाइव थर्टी नाइन फोर्टी एट फिफ्टी सिक्स थर्टी नाइन फोर्टी एट फिफ्टी सिक्स नाइन्टी फाइव एटी वन सेवेंटी फाइव नाइन्टी फाइव एट्टी वन सेवनटी फाइव हाउ मेनी दे आर कितने स्टूडेंट्स का डेटा है ये काउंट कर लो भाई वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन डिवाइड बाई टेन इन सब का सम फाइंड करो टेन से डिवाइड करो और आपका आ जाएगा फाइनल आंसर जल्दी से बेटा आंसर बताइए सम करिए जल्दी से जल्दी से सम करिए स्टूडेंट्स रफ नोटबुक पर आप आराम से सम कर सकते हैं आप जल्दी से सम कर लो प्यारे बच्चों जल्दी से आप इसको ऐड करो आपका आंसर आ जाएगा ऑल राइट right, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा बॉस सेवन हंड्रेड थर्टी जी हाँ सेवन हंड्रेड थर्टी आपका आंसर आ जाएगा सेवन हंड्रेड थर्टी डिवाइड बाई टेन और ये टेन से जीरो से जीरो हो जाएगा कैंसिल ऑल राइट ये आ गया भैया आपका आंसर कितना आया आंसर आंसर सेवनटी थ्री सेवनटी थ्री आ गया मेन स्कोर आपका जी हाँ मेन स्कोर आ गया है आपका सेवनटी थ्री ऑल राइट क्लियर है क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया है कंप्लीट इसको आप जल्दी से कर लो नोट और हमेशा फॉर्मूला जरूर लग, लगाना जब भी आप क्वेश्चन करो मीन का करो मोड का मीन का करो मीडियन का करो या रेंज का करो कोई सा भी क्वेश्चन करो और इस चैप्टर का नहीं कोई से भी चैप्टर का कोई सी भी क्लास का कोई सी भी सब्जेक्ट का तो एक आदत बनाओ कि फार्मूला आप ज़रूर लगाएं जी अगर आगे क्वेश्चन गलत हो जाता है मिस्टेक्स हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक या कोई सी भी मिस्टेक किसी भी कारणवश आपका आंसर अगर नहीं आता है सही तो आपको फॉर्मूले के मार्क्स मिलेंगे तो एक हैबिट अपने अंदर लेकर के आओ कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला ज़रूर लगाएंगे राइट right, एक हैबिट अपने अंदर आप लेकर के आइए स्टूडेंट्स। ओके okay, इसको नोट कर ले जल्दी से हो गया नोट बढ़ता है, है स्क्रीन पर क्या कह रहा है भाई मेन एनरोलमेंट जी हाँ इन स्कूल ड्यूरिंग सिक्स कंजीकटिवर्स एनरोलमेंट का मतलब समझते हो एडमिशन जी हाँ सिक्स कंजीकटिव लगातार छह से साल का डाटा है पहले पंद्रह सौ पचपन इनरोलमेंट्स आए मतलब एडमिशन्स आए सोलह सौ सत्तर फिर सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी नेक्स्ट ईयर में टू थाउजेंड थर्टीन फिर ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी फिर टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी मतलब हर साल एडमिशन्स नंबर ऑफ एडमिशन बढ़ते जा रहे हैं बहुत बढ़िया मतलब स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा है ग्रोइंग है फाइंड द मेन इनरोलमेंट आपको मेन इनरोलमेंट फाइंड करना है कितना आसान सा ये क्वेश्चन है भाई मेन के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने आ गए हैं राइट तो गिव इन डेटा लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन का बैकग्राउंड बना देते हैं गिव इन डेटा जी हा गिव डेटा तो गिव इन डेटा क्या है बॉस गिव इन डेटा ये रहा नंबर ऑफ इनरोलमेंट नंबर ऑफ एनरोलमेंट Number of enrollments one five 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 one six seven zero one seven five zero two zero one three three five four zero and last two eight two zero. Here I have my admissions in sec six consecutive यर्स बहुत बढ़िया आपको फाइंड करना है मेन इनरोलमेंट देयर फोर मेन इनरोलमेंट मेन इनरोलमेंट मेन इनरोलमेंट नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ ऑल इनरोलमेंट ऑल इनरोलमेंट और डेटा कितने साल का है ये छः साल का टोटल नंबर ऑफ ईयर्स टोटल नंबर ऑफ ईयर्स बस भाई क्वेश्चन हो गया कंप्लीट बस आपको अब क्या करना है इनका सम करना है वन फाइव 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 प्लस वन सिक्स सेवन जीरो प्लस वन सेवन फाइव जीरो प्लस एक बार चेक जरूर कर लेना डेटा एक भी आ, एक भी अगर इनरमेंट गलत उतर गया क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई प्लस टू फाइव फोर जीरो प्लस टू एट टू जीरो डिवाइड बाय सिक्स एक बार मैं चेक कर लूँ वन फाइव 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 वन सिक्स सेवन जीरो वन फाइव 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 वन सिक्स सेवन जीरो वन सेवन फाइव जीरो टू जीरो वन थ्री टू फाइव फोर जीरो टू एट टू जीरो बहुत बढ़िया इन सबको एड करिए डिवाइड करिए सिक्स से फाइनल आंसर आपका आ जाएगा जल्दी से भाई ऐड करिएगा स्टूडेंट्स ऐड करिएगा और मुझे आंसर बताइएगा क्विकली क्विकली ऐड करिएगा और आंसर बताइएगा ऐड करने में थोड़ा तो टाइम लग जाएगा आप करिएगा ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा वन टू थ्री फोर एट वन टू थ्री फोर एट डिवाइड बाई सिक्स वन टू थ्री फोर एट वन टू थ्री फोर एट डिवाइड बाई सिक्स यू विल गीरोट ऑल राइट ये आ गया भाई आपका आंसर जी हाँ ये आ गया मीन इरोलमेंट इस पीरियड का छः साल का जो पीरियड है इस पीरियड का मीन इनमेंट टू फाइव सिक्स है तो ये कह सकते हैं कि लास्ट छः सालों में हमारा एवरेज जो है हर साल बच्चे इनल करने का वो 2058 फाइव एट है और ये एवरेज कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है ऑल राइट आसान सा क्वेश्चन हो गया नोट जी हाँ सर ओके okay बॉस तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेवन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया कंप्लीट इसको आप कर ले जल्दी से नोट ठीक है भाई आया समझ नोट कर लो भाई जल्दी से बढ़े आगे ऑल राइट स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट आपके सामने है द रेनफॉल इन सिटी ऑफ सेवन डेज ऑफ सर्टीन वीक वॉज रिकॉर्ड एज फॉलो कोई सिटी है उस सिटी का एक हफ्ते का रेनफॉल रिकॉर्ड है मतलब रेनफॉल मंडे में कितना हुआ जीरो पॉइंट जीरो जीरो मतलब मंडे में नहीं हुआ ट्यूजडे में ट्वेल्व पॉइंट ज़ीरो ट्वेल्व पॉइंट जीरो एम एम रेनफॉल रेनफॉल एम एम में क्यों नापा जा रहा है क्या कोई मुझे बताएगा क्या कोई मुझे बताएगा रेनफॉल को एम एम में कैसे कह रहे हैं स्टूडेंट्स ये होता है स्टैंडिंग वाटर बारिश पड़ी तो कितना कितना पानी खड़ा हो गया स्टैंडिंग हाइट वाटर की स्टैंडिंग हाइट होती है ये राइट तो कितनी कितनी बारिश हुई ट्वेल्व पॉइंट टू एम एम टू पॉइंट वन पानी खड़ा हो गया थर्सडे में बारिश नहीं हुई फ्राइडे में सबसे ज्यादा बारिश हुई ट्वेंटी पॉइंट फाइव एम एम पानी खड़ा हो गया बात समझ में आ रही है आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स ठीक है भाई तो डेटा हमारे पास है सात दिन में बारिश कितनी कितनी हुई है रेगुलर डेज में ठीक है भाई फाइंड द रेंज रेंज बताना है रेंज हम बहुत इजिल बताएंगे हाइस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन करके रेंज मिल जाएगी मीन सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल हाइट्स इन सबका डिवाइड करेंगे किससे सेवन से ऑल राइट डिवाइड बाई सेवन ओके स्टूडेंट्स और फाइंड द मीन रेनफॉल ये हो गया ऑन हाउ मेनी डेज वॉज देयर लेस देन मेन रेनफॉल पहले मीन निकालना पड़ेगा फिर देखना पड़ेगा मीन से कम कितने दिन रेनफॉल मीन से कम हुई है तो भाई करते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व आसान सा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई जल्दी से क्या पूछा गया पहले रेंज पूछा गया स्टूडेंट्स सबसे पहले बेटा क्या करेंगे गिवन में लिख करने के बाद आप इसको टेबल को बना देंगे राइट वेन में स्टेबल को आप खुद से पूरा बनाएंगे राइट पूरा आप इस्टेबल को बनाएंगे उसके बाद आपसे कहा जाएगा फर्स्ट पार्ट करने के लिए तो फर्स्ट पार्ट आप करेंगे ये रेंज ऑफ रेनफॉल रेंज ऑफ रेनफॉल तो ये फॉर्मूला आपको पता है रेनफॉल रेंज का फॉर्मूला आपको पता है हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन ठीक है ये फॉर्मूला आप खुद से लगा ले अच्छे से रेंज ऑफ रेनफॉल रेंज ऑफ रेनफॉल हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बारिश कब पड़ी भाई सबसे ज्यादा स्टैंडिंग हाइट कहां पर है फ्राइडे में कितनी ट्वेंटी माइनस mm. सबसे कम जीरो एम एम तो भाई रेंज हो गई आपकी ट्वेंटी पॉइंट फाइव एम एम रेंज हो गई भाई ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी पॉइंट फाइव एम एम आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी अब आपको फाइंड करना है भाई मीन uh, क्या फाइंड करना है बॉस मेन रेनफॉल आपको फाइंड करना है चलिए तो मेन रेनफॉल कैसे फाइंड करेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आप इन सब का सम करके डिवाइड कर देंगे इसे सेवन से ऑल राइट right. तो ये ऊपर वाला वर्क मैं कर रहा हूँ रब यहां पर फाइंड करते हैं अपन मीन यहां पर फाइंड करते हैं अपन मीन ठीक है सर सेकेंड पार्ट मेन रेनफॉल रेनफॉल, मेन रेनफॉल ऑब्जर्वेशन, जल्दी से आप ऐड करके बताना मुझे क्या आ रहा है सम क्या आ रहा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये आ गया भाई आपका मीन रेनफॉल इनका सम समीरो प्लस ट्वेल्व पॉइंट टू प्लस टू पॉइंट वन प्लस जीरो प्लस ट्वेंटी पॉइंट फाइव प्लस फाइव पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट जीरो का मतलब वन ही होता है डिवाइड बाय सेवन क्योंकि ये पूरे वीक का डेटा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जितने भी ऑब्जर्वेशंस उससे आप डिवाइड करेंगे इन सबको आप ऐड कर लें क्या आता है भाई इन सबको आप ऐड कर लें क्या आता है आंसर ठीक है भाई देख लेते हैं बस हमें क्या करना है स्टूडेंट्स इन चारों को ऐड करके इसमें वन ऐड कर देना है ठीक है 5.5 और 20.5 कितना हो गया 20 और 5 25 और ये 26 26 हो गया भाई 26 और ये 27 27 और 12 27 और 2 हो गया भाई 29 और 39 39 थर्टी नाइन और टू फोर्टी वन फोर्टी वन और पॉइंट थ्री फोर्टी वन पॉइंट थ्री जी हाँ फोर्टी वन पॉइंट थ्री हो रहा है एक बार भाई आप ख़ुद से चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है एक बार खुद से आप ऐड कर लो इसको जल्दी से ठीक है ट्वेंटी थर्टी थर्टी फाइव ट्वेंटी थर्टी एक सेकेंड ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी और टेन ट्वेंटी uh, और टेन थर्टी थर्टी टू थर्टी टू और फाइफ थर्टी सेवन थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी ट्वेंटी और टेन थर्टी थर्टी टू थर्टी टू और टू थर्टी थ्री थर्टी टू और टू थर्टी फोर थर्टी फोर और फाइव थर्टी नाइन थर्टी नाइन और ये फोर्टी 40.3 पॉइंट 40 आ रहा है बॉस एक बार चेक करेंगे भाई सभी स्टूडेंट्स एक बार सभी स्टूडेंट्स चेक कर लेंगे एक बार ऐड करके इसको क्या आंसर आ रहा है 41.3 आ रहा है या 40.3 आ रहा है आई गेस 41.3 ही आ रहा है राइट फोर्टी वन इसको आप करेंगे डिवाइड ये वन भी है ना बॉस इस वन को हमने छोड़ दिया दूसरी बार में ठीक है फोर्टी वन पॉइंट थ्री कितना हो गया सेवन फाइव जो थर्टी फाइव सेवन फाइव जो थर्टी फाइव कितना हुआ भाई ये सिक्स सिक्स पॉइंट थ्री डेसिमल और ये हो गया गया mm. आपके सामने 9 mm. जी हाँ, mm आ गया है mean, rainfall. I hope आपको ये बढ़िया करके समझ में आ गया है ऑल राइट क्लियर है बॉस बिल्कुल बढ़िया करके समझ में आया ना जी हाँ ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट पूछ रहा है हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन मीन मीन से कम मीन कितना है फाइव पॉइंट नाइन मीन से कम सैटरडे में मीन से कम संडे में मीन से कम थर्सडे में मीन से कम वेनसडे में मीन से कम मंडे में जी हां हाउ मेनी डेज आंसर आएगा फोर्थ थर्ड पार्ट का थर्ड पार्ट का क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट का क्या आंसर आने वाला है सिंस मीन रेनफॉल सिंस मीन रेनफॉल इज फाइव पॉइंट नाइन एम एम क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी डेज कितने दिन ऐसे हैं जिनमें मीन रेनफॉल से कम बारिश पड़ी तो भाई कितने दिन ऐसे है वो फोर डेज देर फोर हम लिखेंगे हाउ मेनी डेज फोर डेज फोर डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल फोर डेज वॉज द रेन फॉल फोर डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन मीन लेस देन मीन रेनफॉल स्टूडेंट्स अपना आप कर लेना आप थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है मीन रेनफॉल ऑल राइट या फिर आप खाली फोर डेज लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फोर डेज लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑल राइट right. आया समझ में तो ये हमने सारे पार्ट कर लिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है मीन पर मास्टरी हो गई है और स्टूडेंट्स मीन को अच्छे से आपको जानना है तो पिछले वाली वीडियो में जाइए और देखिए वीडियो का नाम है मीन मीडियन एंड मोड जी हाँ वीडियो का नाम है मीन मीडियन एंड मोड जाइए और आराम से उसको कंज्यूम करिए पूरी वीडियो को पंद्रह क्वेश्चन कराए हैं मल्टीपल क्वेश्चन है कुछ मीन पर कुछ मोड पर कुछ मीडियन पर और बढ़िया करके ज़बरदस्त तरीके से समझाया गया है तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर द हाइट ऑफ टेन गर्ल्स रिजल्ट एज फॉलो दस जी हाँ स्टूडेंट्स दस गर्ल्स की हाइट सेंटीमीटर्स में मेजर की गई और डेटा आपके सामने ठीक है आप देख सकते हो दस गर्ल्स की हाइट आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल टॉलेस्ट गर्ल की हाइट भाई वन वर्ड आंसर हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स सबसे ज्यादा हाइट किसकी है भाई वन फिफ्टी वन वन फिफ्टी वन जी हाँ वन फिफ्टी वन सेंटीमीटर हाउ इजी इट इज सेकेंड पार्ट वॉट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है 128 क्या जी हां 128 अगर आप इसको रेंज अगर आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे तो बहुत इजीली आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी रेंज ऑफ द डेटा रेंज रेंज कैसी मिलेगी सर रेंज मिलती है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन हाइस्ट 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 ऑब्जर्वेशन हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन या फिर आप लिख सकते हो टॉलेस्ट गर्ल हाइट माइनस शॉर्टेस्ट गर्ल हाइट राइट शॉर्टेस्ट गर्ल हाइट माइनस टॉलेस्ट गर्ल हाइट माइनस शॉर्टेस्ट गर्ल हाइट भी आप लिख सकते हो हाइस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन और हाइस्ट ऑब्जर्वेशन लोएस्ट ऑब्जर्वेशन हमने पहले ही निकाली हुई है हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन वन फिफ्टी वन लोएस्ट वन ट्वेंटी एट क्या आंसर आ गया ये हो गया भाई और नो सेंटीमीटर जी हाँ. uh, 40, 50, 50, 21, 223, जी स्टूडेंट्स मीन मीन हम निकालेंगे हमसे आता है निकालना और बाद में पूछा गया हाउ मेनी गर्ल्स द मीन पिछले वाले क्वेश्चन में लेस देन मीन के डेज पूछे थे इस बार मोर देन मीन की गर्ल्स है इनकी हाइट ये कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट मीन से ज्यादा है तो भाई पहले मीन फाइंड करना पड़ेगा फोर्थ पार्ट में मीन कराया ही है अगर फोर्थ पार्ट नहीं होता डायरेक्ट फिफ्थ पार्ट होता तो भी हमें मीन करना ही पड़ता तो भाई देखते हैं पहले मीन फाइंड कर लेते हैं राइट मीन फाइंड पहले अपन कर लेते हैं ठीक है स्टूडेंट फोर्थ पार्ट मीन मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स मीन हाइट ऑफ़ द गर्ल्स मीन हाइट कितनी है मीन हाइट सम ऑफ ऑल हाइट्स सम ऑफ ऑल हाइट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेश मतलब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स ऐड करिए जल्दी से एड करिए जल्दी से जल्दी से ऐड करिए बॉस ऐड करना शुरू करिए इतने में डेटा लिख रहा हूँ जल्दी से भाई वन थर्टी फाइव वन फिफ्टी वन थर्टी फाइव वन फिफ्टी वन थर्टी नाइन वन ट्वेंटी एट एड आप अपने आप करेंगे ऐड करना सबको आता है वन ट्वेंटी एट और फिर वन फिफ्टी वन प्लस वन थर्टी टू प्लस वन फोर्टी सिक्स एक बार डेटा को चेक ज़रूर करेंगे भाई लिखते टाइम जब आप लिख लेना एक बार चेक जरूर करें कोई मिस तो नहीं हुआ वन फोर्टी सिक्स वन फोर्टी नाइन वन फोर्टी थ्री वन फोर्टी वन डिवाइड बाय कितनी है भाई ये टेन गर्ल्स एक बार चेक कर ले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है सर तो मुझे रब करना पड़ेगा बॉस ये आप इतने इनको ऐड कर लो और स्क्रीन शॉट भी ले लो भाई इन सबको रब करना पड़ेगा रब करने के रब करके स्टूडेंट्स सम लिखेंगे सम आया है भाई इन सबको ऐड करने के बाद वन फोर वन वन फोर वन फोर वन फोर वन फोर मतलब फोर्टीन हंड्रेड फोर्टीन राइट इसको मुझे रब करना पड़ेगा ये ठीक ये रफ कर देते हैं आपने ये फाइंड तो कर ही लिया है बहुत बढ़िया भाई वन फोर वन फोर डिवाइड बाय टेन डेसिमल एक प्लेस पहुंच जाएगा पीछे वन फोर वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर ये आ गई भाई आपकी मेन हाइट अब फोर्थ पार्ट हो गया फिफ्थ पार्ट देखिए हाउ मैनी गर्ल्स हाउ मैनी गर्ल्स स्टूडेंट्स फोर्टीन पॉइंट वन हंड्रेड फोर्टी फोर सेंटीमीटर से ज्यादा कितनी गर्ल्स की हाइट है 141.4 हंड्रेड फोर्टी वन पॉइंट फोर बस ओनली फोर तो आंसर आएगा हाउ मेनी गर्ल्स फोर गर्ल्स राइट फोर गर्ल्स हैव हाइट मोर देन फोर गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मोर देन मे मोर देन मेन हाइट जी हाँ स्टूडेंट्स एक बार चेक कर ले 141 से ज्यादा 150 है, 151 है 146 है, 149 है और 143 भी है तो क्या आ जाएगा भाई फाइव आ जाएगा राइट एक बार चेक जरूर करें इस तरह के क्वेश्चंस आंसर आ गया भाई आपका फाइव और राइट क्या आंसर आ गया बॉस फाइव आपका आंसर आ चुका है और ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट आई होप आपको समझ में आया होगा राइट आई होप आपको समझ में आ गया होगा आसान आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन है अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप ईजिली ये क्वेश्चन कर पाएंगे भाई ठीक है बॉस तो क्वेश्चन नंबर नाइन हो गया है कंप्लीट मीन आ गया है समझ में और मीन से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि रेंज हुआ वो सब समझ में आ गया है स्टूडेंट्स इसी के साथ एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट आपको जल्दी से मैं एक बात बता देता हूं भाई जल्दी से बात सुन लीजिएगा पहली वाली वीडियो में स्टूडेंट्स पहली वाली वीडियो है व्हाट इज डेटा हैंडलिंग यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है बहुत ज़्यादा डिटेल में डेटा क्या होता है डेटा हैंडलिंग क्या होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैंडलिंग टाइप्स है? ऑफ डेटा में आपको पढ़ाया गया प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा और रॉ डेटा एंड ऑर्गेनाइज डेटा रॉ डेटा क्या होता है ऑर्गेनाइज डेटा क्या होता है बात समझ में आई उसके बाद स्टूडेंट्स इसी वाली वीडियो में आपको पढ़ाया गया रेंज जैसे ही आपको डेटा ऑर्गेनाइजेशन समझ में आएगा एकदम मेन समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वाली वीडियो में स्टूडेंट्स पढ़ाया गया आपको मीन मीडियन मोड और तीसरी वाली वीडियो में पढ़ाया गया आपको एम्फेरिकल फार्मूला एम्फेरिकल फार्मूला विच इज रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड उसके बाद ये वाली वीडियो चल रही है भाई जिसमें आपको कराई गई है एक्सरसाइज वन नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा आपको एक्सरसाइज टू फिर आपको पढ़ाया जाएगा बारग्राफ एंड डबल बारग्राफ का कॉन्सेप्ट डेल में डिटेल में सब कुछ समझा दिया जाएगा उसके बारे में और उसके बाद आपको कराई जाएगी तीसरी वाली एक्सरसाइज आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैगनेट रेन्स बट जाना नहीं है गई मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैगनेट रेन्स मैगनेट ब्रेन्स अकेला एक लौथ ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर आपको इंटर गार्डन से लेकर ट्वेल्थ तक सभी क्लासेस के सभी, सभी सब्जेक्ट कोर्सेस सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियो एस ईआर क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आपको मिलते हैं भाई इन सबके साथ साथ लाइव सेशन बिल्कुल फ्री में बिल्कुल सही सुना स्टूडेंट्स आपने लाइव सेशंस आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री और ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एमपी बोर्ड के लिए ये सब कुछ आपको मिलेगा बॉस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर हमारी वेबसाइट पर हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब के चैनल पर वेबसाइट है www.magnetbrains.com डब्ल्यू और लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई नोट्स का जी हाँ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करिए दिए हुए लिंक पर पहुँच जाइए वेबसाइट पर ग्रैप कर लीजिएगा नोट्स सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे भाई और सब कुछ आपको ऐप पर भी मिलेगा देखिए नोट से लेके पूरा कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हो ऐप के थ्रू मैग्नेट ब्रेन नाम से ऐप है भाई सेम नेम से इस लोगों के साथ आपको प्ले स्टोर पर मिलेगी अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की तो करिएगा ज़रूर बहुत शानदार इंटरफेस है और ये सब कुछ आपको भाई मिलता है प्ले पर जी हाँ यूट्यूब पर मिलता है प्ले बनी हुई है और मैंने भी सिलेबस पूरा करा दिया है अगर आपको कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है कोई सा भी चैप्टर कोई सी भी एक्सरसाइज जी हाँ फुल एन सॉल्यूशन फुल एन सी वीडियोस सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट्स फुल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है एमसीक्यूज एमआईक्यूज वन शॉट रिवीजन क्विक रिवीजन सब कुछ कर दिया है खत्म जाइएगा और देखिएगा प्लेलिस्ट में आपको मेरी वीडियो सारी मिल जाएंगी बॉस और किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर सब कुछ मिलेगा बॉस यहाँ पर यूट्यूब के चैनल पर अच्छी लगी हो भाई वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में और भाई अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो तो जल्दी से सब्सक्राइब हम छाए हुए हैं स्टूडेंट्स यूट्यूब के साथ साथ बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर भी जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम पर तो आप जल्दी से सर्च करिएगा यहाँ पर पेज हमारा और फॉलो करिएगा हिंदी मीडियम वाली वीडियो जो है स्टूडेंट्स ये सी बी एस ई हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एम पी बोर्ड हिंदी मीडियम वाली वीडियोज आपको मिलेंगी मैग्नेट ब्रेंस हिंदी मीडियम के चैनल पर जी हाँ मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के चैनल पर आपको मिलेंगी ये सारी वीडियोज़ हिंदी मीडियम वाली आपका कोई भी जानने वाला हिंदी मीडियम में पढ़ता है उसको भेज दो लिंक बोल दो भाई मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ भी स्टूडेंट्स ऑल राइट आ गया समझ में आई होप आपको बहुत बढ़िया करके सारी बातें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर दो नहीं किया तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ड्रींस विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेस आई एम सालिंग योर फेवरेट मैथ्स एजुकेटर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टिल दैट बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज टू टिल दैट बाय बाय बी हैप्पी कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग कीप एक्सप्लोरिंग कीप वाचिंग कीप सब्सक्राइबिंग की बाय बाय स्टूडेंट्स